हर की पौड़ी पे कितनी भीड़ है। आदि भाई तेरे सिक्स दिख रहे हैं। मैं तो लड़के देख के रुकी थी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। ये वीडियो है सेकंड पार्ट हमारी चारधाम यात्रा का। और फिलहाल अभी हम हैं हर की पौड़ी के पास एक आश्रम में। हम यहाँ पे सो रहे थे और हर की पौड़ी ना यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम उठे हैं और हमने सोचा था 5 बजे उठने का कि टाइम से चले जाएंगे, लेकिन 6 बज चुके हैं और अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा है, नींद आ रही है। तो फिलहाल जैसे जैसे यहाँ से उठेंगे और आगे चलेंगे हर की पौड़ी पे और वहां से नहा के फिर देखते हैं यहाँ से निकलने का क्या सीन बनता है हमारा और कहाँ पहुंचते हैं आज रात तक। तो सेकंड डे में देखेंगे आज क्या क्या शूट करेंगे। और फ्रेंड्स, रात को हमने ना एसी वाला रूम ले लिया था क्योंकि हमें नॉर्मल रूम मिल नहीं रहा था, लेकिन सुबह तक इस एसी वाले रूम ने ना बहुत ठंड कर दी और सबकी हालत खराब हो चुकी है। और अब लक्ष्मण किसकी हुई है हालत मीन्स बहुत ज्यादा ठंड। तो बहुत ज्यादा ठंड कर दी थी इस एसी ने रात को। अब बस हमने उठते इसको भी बंद कर दिया, ऊपर पंखे को भी बंद कर दिया, नहीं तो हमें पता है आगे चल के हमारी कुल्फी जमने वाली थी। तो बस अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने सुबह 5 बजे हर की पौड़ी पे जाने का सोचा था और अभी जाते जाते ना जो टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं और हम बहुत ही लेट हो गए हैं भाई, जल्दी कर लो। चल रहे भाई, इसमें हमारा कुछ सीक्रेट है बताना चाहिए। ये कुछ धर्मशाला है जहाँ पे हम रुके थे और नीचे अपनी बाइकें खड़ी हुई हैं। ये रही अपनी तीनों बाइकें। चलो भाई यो भाई, ये सिगरेट सामान पकड़ ले भाई। क्या हुआ? आजा। सो फ्रेंड्स, अभी निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं हम यहाँ से पैदल जाएंगे या कैसे जाएंगे। 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है वैसे मैप पे तो पैदल का रास्ता। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? यार सुनते ही नहीं हो, कुछ इज्जत ही नहीं है मेरी तो। ब्रो क्या हाल है? कहाँ से आया तू? हम यहाँ से आए बहराइच। क्या कर रहे हो तू? अपने पाप खत्म करने आया है? नहीं, हम पाप ही नहीं है। लिफ्ट के मजे लेते हुए। लिफ्ट क्या मजे लेने लिफ्ट के भाई, इस फ्लोर पे नहीं और नीचे जाने हमने तो। 1-0 दबा ग्राउंड फ्लोर भाई, इसके इसके लिए ग्राउंड फ्लोर में सो फ्रेंड्स, गंगा किनारे हम आ चुके हैं और अभी हमें जाना है हर की पौड़ी पे। सामने आप देख सकते हो। हाँ हाँ, तुम भी आ चलो आगे। ये हमारी लफंडर पार्टी है। दोस्तों आप देख सकते हो सामने हर की पौड़ी पे कितनी भीड़ है भाई। अब क्या करेगा? चलो भाई, जा इतने लोग वहाँ आमोर सही वो तेरी ही। बहुत भीड़ है। कहे आओ, तुम कहा घुमाइए। ए इसको भी दिखाओ भाई। जा भाई जा भाई भाई भाई, सिक्स एप्स दे देंगे भाई के। आदि भाई तेरे सिक्स एप्स दिख रहे हैं। फैमिली पैक है ये तो। फ्रेंड्स फिलहाल अभी हम हर की पौड़ी पे आए हुए हैं और यहाँ से अपना हमें नहाना है, नहा के यहाँ से अपनी जो यात्रा है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग अपनी यहीं से करने वाले हम, बस यहाँ से स्नान करके तभी हमारी यात्रा स्टार्ट होगी चार धाम की। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे नहाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ हुई पड़ी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। मीन मैंने सोचा नहीं था इतनी है। और अभी सुबह 8:30 के आसपास का टाइम है। तुम सारे तो अनपैक हो गए, मैं ही रह गया। तो फटाफट अभी यहाँ से नहा के निकलेंगे भाई और हम नहाने जा रहे हैं। चल आगे जाओ आदि, आदि आगे जाना।
ये सारे नहा रहे हैं और मैं बैठा हूँ रखवाली करने के लिए। आदि आगे जाना। बुआ कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? तू आया कहाँ से है? फोटो खिंचवा तो। क्या कर रहे हैं भाई? कच्चे उड़ा रहा। स्नान करके हम अपना वापस से अपने रूम पे आ चुके हैं और अपनी पैकिंग वगैरह भी हमने कर लिया है। तो अब हम यहाँ से अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे, यमुनोत्री के लिए। लेकिन देखेंगे रास्ते में हम कहाँ कहाँ होते हुए जाएंगे और आज ही यमुनोत्री पहुँचते हैं या हमें बीच में कहीं स्टे करना पड़ता है, वो आज रात को एंड तक हमें पता चल जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलेंगे, अपनी पैकिंग वगैरह करके हम निकल लिए हैं। वो भाग गया है आगे। इधर चले सीढ़ियों से। चला सीढ़ियों से चलते हैं। वो लिफ्ट से गए हैं सारे। बैग ही बैग वो रखे। हम पहुंच गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी बाइकें लगी हुई हैं और अब वापस इन सबको टाई करेंगे, सामान को सारे को अच्छी तरह साफ कर। चले अब निकलते हैं। चल लेट हो गए। सो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स निकल गए यहाँ से। फ्रेंड्स जो हमारी आज की डेस्टिनेशन होने वाली है ना, वो होने वाली है यमुनोत्री की। हमें मींस फर्स्ट जो हमारा चार धाम यात्रा का जो मींस फर्स्ट धाम है वो यमुनोत्री धाम है, तो हमें वहाँ पे जाना है। अब हम ये देखते हैं कि आज शाम तक हम यमुनोत्री पहुँचते हैं और वहाँ पे ट्रैकिंग कर पाते हैं या फिर हमें पहले कहीं पर स्टे करना पड़ता है आज, और कल हम यमुनोत्री ऊपर ट्रैकिंग करके पहुँचेंगे। वो डिपेंड करेगा कि हम किस टाइम पर आज पहुँचेंगे और ट्रैकिंग की टाइमिंग क्या है, कि हमें कहीं रात वगैरह ना हो जाए। तो एंड में ही पता चलेगा वो तो हमें, कि हम कैसे कहाँ पे स्टे करेंगे और यमुनोत्री धाम में यमुनोत्री मंदिर में आज जाते हैं या कल जाते हैं। तो देखते हैं वो आगे चल के। अभी फ़िलहाल हर की पौड़ी से हम निकल गए और अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश वाली साइड। और यमुनोत्री जाने के ना दो रास्ते हैं, एक मसूरी से होते हुए हैं, एक टिहरी से होते हुए हैं। तो देखेंगे हम कौन से वाले रास्ते से जाएंगे वो भी। बाकी रात को तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि अंधेरे में क्या ही रिकॉर्ड करता, और कुछ था भी नहीं इतना खास करने को। यहाँ पे जाम लगा हुआ है यार, अपनी तो बाइक भी नहीं निकलनी। अपने बंदे का यार निकल जाएगी क्या अपनी बाइक? नहीं निकलनी यार, सामान बांध रखा है। पीछे लगेज ना लगा होता ना तो यहाँ से निकाल लेता बीच वाले गैप से, लेकिन अभी फ़िलहाल रिस्क है निकालने में। इधर से देखूंगा लेफ्ट से, ऐसे जाम रहा तो हम बहुत ही लेट हो जाएंगे यार। गर्मी और ऊपर से ट्रैफिक, बुरा हाल है। ऊपर से ब्लैक आउटफिट, कुछ ज़्यादा ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रही है यहाँ पे, तो गर्मी में बुरा हाल हो गया। सो फ्रेंड्स फाइनली हम जाम से निकल चुके हैं। बहुत ही तगड़ा जाम था यार, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। और मुझे अपने दोस्त अब तक नहीं मिले, कहाँ गए हैं वो। चलो हमें जाना तो इधर ही है ऋषिकेश, 22 किलोमीटर, देहरादून 40। हाँ हरियाणा से। कहाँ पर जाओगे आप? हम चार धाम। चार धाम
हाँ उधर से है, पानीपत से। चलो देहरादून चलना, उधर से निकलते चले आना। अभी मेरे साथ आगे बंदे हैं। हाँ अब आगे निकल गए, मैं जाम में फंस गया था पीछे। ट्रैफिक आज बहुत है, काफी ज्यादा ट्रैफिक है आज इधर। ट्रैफिक नहीं रहता इधर। अच्छा ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। ठीक है। YouTube चैनल है आपका? हाँ, राहुल वर्मा R15 लिखने से आता है। राहुल वर्मा। हाँ R15। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी एक भाई मिला था, ये पहले ट्रैफिक में मिले थे मुझे, ये इन्होंने मुझे काफ़ी देर से रोक रहे थे, तो वहाँ पे रुक गया मैं, तो ये पूछने लग गए थे, तो पीछे से फिर हॉर्न बजाने लग गए लोग, तो हम आगे आ गए, तो इन्होंने पूछा है कि कहाँ से हो वगैरह, तो इन्हें बता दिया मैंने। अच्छा लगता है ऐसे कोई पूछता है। फ्रेंड्स अभी अभी ना प्लान में एक चेंज आया है, हमने ना ऋषिकेश को स्किप कर दिया, मीन्स हम ऋषिकेश जाते और वहाँ से ना टिहरी वाले रास्ते से हमें जाना था यमुनोत्री, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन था मसूरी वाला रास्ता, तो हमने सोचा है कि मसूरी वाले रास्ते से चलते हैं। तो मसूरी वाले रास्ते से जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा देहरादून, तो पीछे एक बोर्ड था वहाँ से ऋषिकेश राइट में था और लेफ्ट में देहरादून था, तो हमने देहरादून वाला रास्ता चुन लिया, तो मीन्स अब हम जाएंगे यहाँ से देहरादून, देहरादून से आगे हम पहुँचेंगे अपना मसूरी, मसूरी से कैंपटी फॉल, फिर वहाँ से होते हुए हम आगे जाएंगे यमुनोत्री। सो फ्रेंड्स फिलहाल अभी हमें देहरादून के अंदर रेड लाइट पे रुके हुए हैं यहाँ पे, और सामने बोर्ड आया हुआ है मसूरी का, बिल्कुल हमें सीधा जाना है यहाँ से रेड लाइट क्रॉस करके, और अपना स्टॉप बीच में कोई एक पेट्रोल पंप होगा जहाँ पे अपना फ्यूल अप करवाएंगे, और देखेंगे कि दोनों बाइकों में कितना पेट्रोल ख़त्म हुआ है, इसमें R15 में और NS में, और पल्सर में भी चेक करेंगे, वो तो वैसे कम ही चली अब तक, फिर भी तीनों को फुल करवा लेंगे और देखेंगे कितने लीटर आता है पेट्रोल, और एंड में जब ये ट्रिप ख़त्म होएगी तब हम ओवरऑल कैलकुलेट कर ही लेंगे अप्रोक्स की कितनी एवरेज निकली है, कितने का पेट्रोल वगैरह हमारा यूज़ हुआ है तीनों बाइकों में, मीन्स इंडिविजुअल का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सामने बोर्ड भी आ गया यमुनोत्री का भी, मसूरी भी सिद्ध है, यमुनोत्री भी सिद्ध है, और धनोल्टी भी। धनोल्टी तो नहीं जाना, हमें तो जाना है मसूरी से यमुनोत्री। सो फ्रेंड्स अभी अभी एक पेट्रोल पंप पे स्टॉप लिया है, और सारी बाइकों को करवाते हैं फुल, और देखते हैं किस किस बाइक में कितना कितना पेट्रोल आएगा। कैसा लग रहा है आदि? पहले दूजे में चला, चलो सबसे पहले NS में डलता है, जितना पहले करवाया था उतना करवाइयो, जितना पहले करवाया था फुल। भाई एक मिनट, कितना पेट्रोल पी गई है? 800 ले, तुम कह रहे हो उस दिन मैंने 800 कितने का डलवाया हमने, कट मार गया था भाई, लग रहा है वो उससे ज्यादा तेल पड़ा था भाई, 930 का पेट्रोल पी गया उस दिन से अब तक। इसमें देखते हैं कितना आता है वो, एक मिनट भाई, ये भी पीगी 5.5 लीटर पेट्रोल आया भाई, ये लो स्कोर कर दो, देख लियो 500 भी नहीं जाती शायद से, चली जाएगी, नहीं जाती, हाँ गई 498, 500 पूरे 500, सबसे कम इसने पी है। 1960 हो गए भाई, एक मिनट ये लो, आगे इन पकड़ियो भाई, ये भाई इसमें कितना तेल आया? 530, 5.5 लीटर है, और कितने किलोमीटर चली है ये भाई, एक मिनट चेक कर, हाँ ट्रिप वन देख रहे कितनी चली है, 215 किलोमीटर चली है 5.5 लीटर में, 264 चलिए 265 5 लीटर में।
सही जगह पे रोकी है मेरे तो यार, अभी तो ऊपर गए भी नहीं। मैंने तो लड़के देख के रुकी थी, मैंने तो लड़के देख के रुकी थी। पागल हो गया। भाई धूप लगी नहीं रही, धूप नहीं लग रही, हम यहीं बैठेंगे। नहीं लग रही भाई। ऐ तेरी। सो फ्रेंड्स, मसूरी जाते हुए रास्ते में भी हमने यहाँ पे रोका है, एक स्टॉप था अच्छा सा, और सोचा थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ी देर में यहाँ से चलेंगे। यही बना लेते हैं क्या? मैगी यही ना, ये भाई ये कहेंगे हमारा काम धंधा ठप कर दिया। ठीक है, जिप लाइन भी हो, जिप लाइन ये रही साइकिल, याद है साइकिल? ओली साइकिल करी थी जो पहले अपने, साइकिल बड़ी बेकार होती है, मैंने करी हुई है भाई। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मसूरी हम पहुंच चुके हैं, 5-6 किलोमीटर ही रह गए, और हमें जाना है कैंपटी फॉल वाले वे से, वहां से हमें बरकोट की तरफ जाना है, मीन्स कैंपटी फॉल बीच में आएगा, तो हम देखेंगे, हम कैंपटी फॉल बीच में शायद रुकेंगे, वहां पे भी थोड़ा इन्जॉय वगैरह करेंगे। तो आज के दिन का जो व्लॉग होगा ना, वो एक पार्ट में तो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसके अलग अलग ही पार्ट्स बनाने पड़ेंगे रात तक। अभी तो हाफ डे भी नहीं हुआ और काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाऊँगा नहीं। तो अब यहाँ पे अपने बंदे रुके हुए हैं और हमें चलना है कैंपटी फॉल। एक मिनट, देखो भाई वो रहा मसूरी, मसूरी से नहीं जाना, हमने जाना है यमुनोत्री। लेफ्ट में मोड़ो, कैंपटी फॉल रुकेंगे। धनोल्टी नहीं जाना, हमने यमुनोत्री जा रहे हैं।